बात करेंगे इंदौर की, जहां मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में मतदान करने आने वाले मतदाताओं को कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। तेज गर्मी को देखते हुए छांव के लिए शामियाना लगाया गया है, कारपेट बिछाया गया है, मतदाताओं के बैठने के लिए सोफे राउंड टेबल के साथ पंखे और कूलर की व्यवस्थाएं भी हैं। इन आदर्श मतदान केंद्र का जायजा लिया सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय। इस वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड पलासिया के पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में बनाए गए आदर्श मतदान केंद्र में। यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, जितने भी लोग हैं उनको आने के लिए शेड मिले तेज़ गर्मी में, उसके लिए यहाँ पे ये शामियाना लगाए गए हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा कालीन बिछाए गए हैं जो भी लोग पहुँचे, और भी तमाम तरह की व्यवस्थाएँ यहाँ रखी गई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सेक्टर अधिकारी पंकज जी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर मिलेंगी? एक्चुअली कलेक्टर महोदय, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कुछ मतदाताओं को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आदर्श मतदान गृह बनाए जाते हैं। उसके लिए पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 5 मतदान दल बने हैं, मतदान प्रकोष्ठ बने हुए हैं, और उसके सबके लिए आदर्श के हिसाब से व्यवस्थाएँ की हैं, और शामियाना लगा के रखा है, छाँव के लिए लगा के रखा है, कारपेट लगा के रखा है, लोगों को पीने की पानी की व्यवस्थाएँ वगैरह भी यहाँ पर की गई हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में मतदान करने के लिए आएँ और इस पर्व को सफल बनाएँ। तो देखिए, यह एक वीआईपी एरिया है, यहाँ पर आसपास काफ़ी वीआईपीज रहते हैं, ऐसे में उनको और अच्छी सुविधाएं मिल सके, इसलिए भी यह मतदान केंद्र को आदर्श बनाया गया है। बैठने की व्यवस्था, टेबल चेयर्स लगाई गई है, सोफे लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर प्रशासन यही चाहता है कि अधिक से अधिक मतदाता बाहर निकले और मतदान करें। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। इंदौर में कल मतदान होना है और नगर निगम ने मतदान सामग्री वितरण और मतदान केंद्र में मतदान दलों के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की हैं। निगम की व्यवस्थाओं को लेकर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने विस्तार न्यूज संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय से खास बातचीत की। इंदौर में मतदान सामग्री का वितरण शुरू हो चुका है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह इंदौर नगर निगम की है, तमाम व्यवस्थाएं करने को लेकर। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी और क्या चुनौतियां थी, बात करने के लिए हमारे साथ इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार नज़र आ रही है, किस तरह की चुनौती थी और क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोगों द्वारा की गई है? देखिए, हमारे मतदान दल बहुत महत्वपूर्ण कार्य कराने जा रहे हैं, और उन सब लोग को अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए उनके वितरण की और उनके रुकने की मतदान केंद्रों पर अच्छी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं ये बड़ा जो पूरा टेंट लगा हुआ है, खासतौर से गर्मी के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है, और यहाँ पर अच्छा मिस्ट फैन, कूलर फैन लगे हुए हैं, पीने के ठंडे पीने के पानी की व्यवस्था भी है, अच्छे टॉयलेट्स हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ ई रिक्शा के माध्यम से टीम भी जो यूज़ करना चाहती हैं अपनी बस तक पहुँचने के लिए, वो ई रिक्शा के माध्यम से वहाँ पहुँच भी सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का व्यवस्था की गई है। सर, मतदान केंद्रों में अक्सर देखने को मिलता है जो मतदान दल रात में रुकते हैं, वहाँ पर व्यवस्थाएँ अच्छी नहीं होती है, टॉयलेट्स वगैरह की या पानी वगैरह की, क्या इस बार कुछ अच्छी व्यवस्था की गई है स्पेशली फॉर लेडीज़? देखिए, सभी के लिए बिल्कुल, हमने सभी मतदान केंद्रों पर भी अपनी अच्छी व्यवस्था की है, क्योंकि टीम अभी जाएंगी, वहाँ रुकेंगी, उनके रुकने के लिए जो वहाँ सोने के लिए व्यवस्था हो, अच्छे टॉयलेट्स हों, पीने के पानी की व्यवस्था हो, सब जगहों पे की गई है, नई लाइट्स लगाई गई है, और हम लोग खुद भी इसको काफ़ी टाइम से हम लोग निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं, नगर निगम की भी पूरी टीम इसके लिए तैनात भी रहेगी, और अगर कोई ऐसी ज़रूरत और पड़ेगी तो हम लोग सभी के लिए तैयारी हमने कर रखी है, किसी प्रकार की इमरजेंसी हो तो उसके लिए भी इमरजेंसी केयर भी, यहाँ भी अगर आप देखें तो हमने एक इमरजेंसी केयर के लिए आकस्मिक ICU बनाया हुआ है, और जो पोलिंग दल तैनात रहेंगे मतदान केंद्र में उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं अच्छी कर रखी हैं। तो इस बार अच्छी व्यवस्थाएं किए जाने की बात नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा कह रहे हैं। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।